हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विद रुपेश। पर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले की वीडियो में मैंने मेमोरी क्या है और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं पिछले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको बता दें कि मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आज की वीडियो में प्राइमरी मेमोरी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रैम, जिसका फुल नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेन मेमोरी होती है, ये टेम्पोरली मेमोरी होती है, ये डिस्प्ले, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, यह फिजिकल मेमोरी होती है। चलिए, रैम जो है दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। रैम दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। डी रैम का फुल नेम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो होती है पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट होती है, स्लो मेमोरी होती है, यह डायनेमिक नेचर का होती है और ये चीपर यानी छोटा होता है। मोर पावर कंजप्शन, यह ज़्यादा पावर कंजप्शन करती है। और दूसरा है एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो होती है विदाउट पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट होती है यह कॉस्टली यानी महंगा होता है, यह फास्टर होता है यानी तेज काम करता है, यह स्विच नेचर का होता है। लेस पावर कंजप्शन होती है। तो आज प्राइमरी मेमोरी के ऊपर डिस्कस किए हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या मेन मेमोरी होती है, या टेम्पोररी मेमोरी होती है, या डिस्प्ले मेमोरी है, या वोलेटाइल मेमोरी है, या फिजिकल मेमोरी है। और रैम क्या है और रैम कितने प्रकार के होती है, तो आपको बता दें कि रैम दो प्रकार के होती है, डी रैम और एस रैम। डी रैम का फुल नेम डायनेमिक एक्सेस मेमोरी और एस रैम का फुल नेम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों में जो अंतर है, यह पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट होती है और एस रैम में जो है विदाउट पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट होती है। यह स्लो मेमोरी है, यह स्लो काम करता है, ये एस रैम जो है फास्ट काम करता है। ये चीपर होता है, ये छोटा होता है, ये सस्ता भी होता है, और एस रैम जो है थोड़ा कॉस्टली होता है, ये स्लो काम करता है, ये फास्ट काम करता है। यह जो होता है डायनेमिक नेचर का होता है, ये स्विच नेचर का होता है, ये मोर पावर कंजप्शन का होता है, ये लेस पावर कंजप्शन का होता है। तो आज की वीडियो में प्राइमरी मेमोरी के ऊपर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो।